फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप लोगों को स्केल को वर्टिकल मैनर में प्लेस करना है। फिर उसके बाद आप लोगों को एक लाइन ड्रॉ करना है। मैं मेजरमेंट आपको बता देता हूँ। पहले आप लोगों को 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है और 1 सेंटीमीटर का स्पेस लीव करके 13 सेंटीमीटर तक। देखिए, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट पर ही स्पेस लीव किया, 13 सेंटीमीटर तक लाइन ड्रॉ किया है पूरा। आप लोग चाहें तो वीडियो को बैक करके पॉज करके देख लीजिए। अब आपको यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क करना है और देखिए इसी के पैरेलल बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट सेम साइज का एक और लाइन ड्रॉ करना है। हम लोगों ने पॉइंट इसलिए मार्क कर लिया था ताकि डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल रहे। देखिए, यहाँ पर मैंने डिस्टेंस यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया और एक लीव कर लिया स्पेस। तो देखिए ये हमने क्यों ड्रॉ किया है वो मैं आपको आगे बताता हूँ ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप इस डायग्राम को ड्रॉ कर पाएँ। इससे आप बहुत ईजिली इस डायग्राम को ड्रॉ कर पाएंगे। अब ऊपर से आप इसे क्लोज कर लीजिए। क्लोज करने के बाद गाइस, अब हमें यहाँ पर बीच का जो सेक्शन है उसे थोड़ा सा और इरेज कर लेना है। हमने 1 सेंटीमीटर स्पेस लीव किया था, थोड़ा सा आप इरेज कर लीजिए। देखिए, मैं थोड़ा ज़्यादा इरेज कर लिया है। अब आप लोगों को इसे कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है। सेम आप लोगों को यहाँ पर करना है, थोड़ा सा थिन करते हुए वापस से नॉर्मल कर देना है। तो ये इतना हमने कर लिया। अब आपको नीचे साइड से स्टार्ट करना है ड्रॉ करना। अगर आपने अभी तक इस डायग्राम को ड्रॉ करना स्टार्ट नहीं किया तो मेरे साथ इसे कर दीजिए। अब देखिए, 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया और आप लोगों को यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये पॉइंट है, आप लोगों को इससे 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया और आप लोगों को इस 4 सेंटीमीटर का जो लाइन ड्रॉ किया इससे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर सेम साइज का पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना है ताकि हम लोग इसे फोल्ड कर पाए। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हमने यहाँ पर इसे फोल्ड किया है। अब ऊपर से आप लोगों को इसे थिन करना है और ड्रॉ कर देंगे ऊपर सैटेलाइट। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग नीचे से इसे कर देंगे क्लोज कर्व करके। अगर आपको किसी और डायग्राम में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है कुछ इस तरह के कर्व्स जो कि कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसे करने के बाद हमें इसके अंदर एक लेयर ड्रॉ करनी है। लेयर कैसे ड्रॉ करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको स्केल को प्लेस करना है और थोड़े से डिस्टेंस पर आप लोगों को यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है। सेम आप लोगों को यहाँ पर करना है। हम इसके स्केल का इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि बिल्कुल इक्वल और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो, इसीलिए हम लोग स्केल का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। मैंने और भी कहीं से इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाए हुए हैं, उन वीडियोज़ का लिंक आपको राइट साइड बायोडाटा पर मिल जाएगा। अब यहाँ से आप फ्री हैंड ड्रॉ कर लीजिए। सेम आपको यहाँ पर भी करना है। आपको बहुत केयरफुली इस लेयर को ड्रॉ करना होगा ताकि दोनों लेयर एक दूसरे टच ना हो जाएं। सेम मैनर में आप लोगों को इसमें भी स्केल का यूज करके लाइन ड्रॉ करना है। मैंने और भी कई क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के लिए डायग्राम बनाए हुए हैं, उन वीडियोस का लिंक आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये हम लोग इसके इनर लेयर ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसे भी नीचे से कनेक्ट कर देना आपको कर्व करते हुए। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स, लास्ट स्टेप है हम लोग को अंदर का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ड्रॉ करना। जेनेटिक मटेरियल रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जैसा मैं अंदर कर रहा हूँ बिल्कुल सेम आप लोगों को करना है। आप लोगों की अगर लेयर ड्रॉ ना हुई है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। जो यहाँ पर थिन है तो इस पार्ट को आप लोगों को बहुत केयरफुली यहाँ से ले जाना है और वापस से सेम ब्रोड करते हुए नीचे ले जाना है, जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सेम मैनर में आप करिए।
अब हमें इसे काफी थिक करते हुए बिल्कुल एक लाइन ले जाते हुए, देखिए सिंगल लाइन ले जाते हुए अंदर भी ड्रॉ कर देना सेटेलाइट पर भी। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया इसका अंदर का जेनेटिक मटेरियल। तो अब हमारा ये डायग्राम हो चुका है कंप्लीट। अब मैं इसकी फर्दर लेबलिंग कर देता हूँ, तो अगर आपका इनकम्प्लीट रहेगा तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। देन आफ्टर गाइज, ये हमारा लेबल डायग्राम हो चुका है कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने साथ साथ वाले बेल आइकन को टर्न ऑन करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी और डायग्राम में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।